कॉलेज की नाट्य संस्था अनुभूति प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक सपनों का बोरा। माफ कीजिएगा Rajuvai. Oh man.
Oh!
उठाती है तो कभी मासूम बच्चों का और इन चीलों का पेट अगर इससे भी नहीं भरता। तो नवजात बच्चों को उठा ले जाती है। हर रोज 65% वेज पिकर्स को सामना करना पड़ता है ईव टीजिंग का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, फिजिकल टॉर्चर का, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन का। आप अपनी समझ के हिसाब से बस इसमें हमने कूड़े इकट्ठा किया है। आपको
में आके प्लीज थोड़ा सा पुण्य का काम कीजिए और ये कूड़ा उसकी जगह पे डाल दीजिए प्लीज भैया. आगे आइए ना. थैंक यू सो मच. अच्छा ठीक है, ये सब तो होता रहेगा और ये सब रोज होना भी चाहिए, पर क्या जो आज यहाँ पे आके काम कर रहे हैं वो रोज ही काम करते हैं? क्या आप सब आप सर आप रोज कभी भी कूड़ा देखते क्या बिन में डालते हैं? क्या आपको पता है कि कौन सा कूड़ा किस बिन में जाना चाहिए? शायद हो सकता है ना पता हो, क्योंकि क्या कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, सबकी बातों को निचोड़ निकाल के जभी तो सही बोला आपको. सबको एक दो बिन में डालना है. हमारे एक ही बिन में सारा कूड़ा एकत्रित कर उसी में डाल देते हैं और दे देते हैं मुझे, यानी कि कचरे वाले को. हम नहीं जानते उनकी जिंदगी कैसे बीतती है, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन हम हमारी साइड से फ्री हो जाते हैं. और ये थी हमारी प्रस्तुति सपनों का बोरा, माफ कीजिएगा बोझा. और ये हमारे